आस्था पर टिकी हुई है। आज भी हजारों वर्ष पहले के इन संबंधों को लोग उसी स्मृति के साथ आगे बढ़ाते हैं। आज नेपाल और भारत दो अलग अलग इकाइयां जरूर हैं, दोनों का अपना राजनीतिक अस्तित्व है, लेकिन जिस रूप में नेपाल के लोगों की अयोध्या के प्रति और अयोध्या का जनकपुर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, और ये केवल अयोध्या जनकपुर तक सीमित नहीं हो जाता है, नेपाल बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंध के साथ सीधे सीधे जुड़ता है। यह आज भी हजारों वर्षों के बाद भी ये परंपरा उसी रूप में छूने बनी हुई है। एक बहुत बड़ा भावनात्मक क्षण है ये, जब हजारों वर्षों की स्मृतियों के साथ ये हमें जोड़ेगा और यह हजारों वर्षों की विरासत को आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करके एक उस परंपरा को जिसने इस देश के अंदर पूरी दुनिया के सामने शासन व्यवस्था का एक आदर्श रखा था, उसका सुदृढ़ नींव अयोध्या और मिथिलापुरी के आपस में मिलन के माध्यम से आगे बढ़ता है।